कि जी हरियाणा तो बड़ी चंगी रही, बड़ा जन समर्थन मिला तुहानू, पंजाब तक की है, मैं पंजाब मेरा बड़ा भरा है, मेरे तो वध के चलेगा, वध के चलेगा। वाहेगुरु जी खालसा, वाहेगुरु जी फतेह। सत श्री अकाल आदरणीय हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी, पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजा वड़िंग जी, सीएलपी नेता प्रताप बाजवा जी, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष उदयवान जी और ऑर्गेनाइजेशन के हमारे महामंत्री वेणुगोपाल जी और यहाँ इंचार्ज पंजाब के हरीश चौधरी जी और हमारे जो हरियाणा के इंचार्ज हैं वो साथी, सम्मानित मंच, यहाँ सांसदगण, विधायकगण, सभी सम्मानित मंच उपस्थित सभी मेरे बुजुर्गों, प्रावो तो पहनो, आज असी आए हरियाणा तो राहुल जी चल के कन्याकुमारी तो इत्थे पहुंचे और इस शहीदी नगरी नू मेरा नमस्तक, प्रणाम, सत श्री अकाल। जिन्होंने एक इतिहास रचा है, ऐतिहासिक भूमि के स्थान ये आज शुरू करेंगे, इतों जाएंगे कश्मीर। तो उन जब मैं आया सी तो एक पत्रकार मैंने पूछता है कि जी हरियाणा तो बड़ी चंगी रही, बड़ा जन समर्थन मिला तुहानू, पंजाब तक की है, मैं पंजाब मेरा बड़ा भरा है, मेरे तो वध के चलेगा, वध के चलेगा। तो मैं उन्हें कहा और पूरा मेरी शुभकामनाएं हैं। आज ये जो यात्रा चली है ये देश के लिए, ये जन चेतना जो राहुल जी ने जगाई हर वर्ग के लिए, किसान के लिए, मजदूर के लिए, व्यापारी के लिए, कर्मचारी के लिए, और चाहे वो शहरी हो, चाहे ग्रामीण हो, चाहे पिंडा का हो, चाहे शहरा का हो, उन्होंने सबके लिए यात्रा चली है यार राहुल जी दी। मैं ये जन जो चेतना राहुल जी ने चलाई है ये हुन तब्दील हो चुका है जन आंदोलन च, और आज राहुल जी सारे पूरे देश के किसानों के, मजदूरों के, व्यापारियों के जो है आवाज बन चुके हैं। तो आज जब श्रीनगर जाएंगे, पहुंचेंगे, उठे झंडा फहराएंगे, देखना सारे देश देख हवा उत्तों तो जल्दी है, थले आ जाती है, थलो तो उत्तों पहुंचना मुश्किल होता है, तो हवा उत्तों चलेगी श्रीनगरों तो पूरे देश से जाएगी। मेरी यही शुभकामना है। राहुल जी ने जड़ी मेहनत, आसान काम नहीं है ये, कोई सौखा काम नहीं है, 3,500 किलोमीटर पदयात्रा करना, लेकिन आप देख रहे हैं ये किसके वास्ते क्यों करते पे, देश के वास्ते, तुहाडे हित के वास्ते। तो मेरी शुभकामनाएं हैं और मैं यही कहना कि पंजाब मेरा बड़ा भरा है, मेरे तो वध चले, तो मैंने बड़ी खुशी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।